ये कार्यक्रम पूरी तरह काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, मृत या जीवित, जगहों और या घटनाओं से समानता केवल संयोगात्मक है। इस कार्यक्रम का इरादा किसी भी धर्म या धार्मिक भावनाओं, मान्यताओं या किसी भी व्यक्ति, संस्था, वर्ग या समुदाय को नाराज, अपमानित, बदनाम करना या चोट पहुंचाना या आहत करना नहीं है और किसी भी अंधविश्वासी मान्यताओं, काला जादू, तंत्र मंत्र और या जादू टोना का प्रचार करना नहीं है। श्रोताओं को अपने विवेक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो वल्लभार्यन विष्णु भक्त की सलाह के अनुसार कुंभपुरम के ज्योतिषी से मिलने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पर उसी ज्योतिषी से मिलने के लिए दो और कन्याएं भी आ रही थीं, जिनमें एक स्वयं महाराज सुंदरचोला की सुपुत्री राजकुमारी आर्या थी और दूसरी उसकी सखी वानती। दीदी, अब क्या आप मैं पूछ सकती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं आखिर? बिल्कुल पूछ सकती हो वानती। हम लोग कुंभपुरम के ज्योतिषी के पास जा रहे हैं। ज्योतिषी के पास? पर क्यों? दीदी, क्या जानना चाहती हो आप ज्योतिषी से? अरे पगली, मैं अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बारे में? पर क्या? यही कि आखिर तुम इतनी अस्वस्थ क्यों रहती हो? तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों रहता है? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे तुम्हारी हालत में सुधार हो सके? अस्वस्थ और मैं? पर मैं तो पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आप तो बिना बात के परेशान हो रही हैं। चलिए रथ को वापस ले लेते हैं। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे और तुम मेरे साथ चलोगी। मुझे भी तो अपना भविष्य जानना है। आपको? पर आपको क्या जानना है? एक जवान लड़की किसी ज्योतिषी के पास क्यों जाती है? मुझे भी जानना है कि क्या मेरा कभी विवाह होगा और होगा तो किससे? दीदी, ये सवाल ना आप किसी ज्योतिष से नहीं अपने दिल से पूछिए। आप महाराजा सुंदरचोला की इकलौती पुत्री राजकुमारी आर्या हैं। आप एक बार कहेंगी तो 56 राज्यों के राजकुमार एक पंक्ति में आके खड़े हो जाएंगे आपसे विवाह करने के लिए। पर मैं किसी राजकुमार से विवाह करके उसके राज्य में नहीं रहना चाहती। मुझे अपने चोला साम्राज्य से बहुत प्यार है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई मुझसे विवाह करना चाहता है तो उसे मेरे साथ यहीं रहना होगा। दीदी, आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपके लिए कोई भी राजकुमार अपने राज्य को छोड़ के चोला राज्य क्या हिमालय तक भी रहने के लिए तैयार हो जाएगा। चल पगली, मुझे नहीं रखना किसी राजकुमार को अपने चोला राज्य में घर जमाई बना के। मुझे तो विवाह ही नहीं करना है। क्षमा करना दीदी, पर मुझे ना बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपको विवाह नहीं करना, क्योंकि आप अगर शादी करके चली जाती तो मुझे भी पीछे पीछे आपके आना पड़ता और मैं भी ये साम्राज्य छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती। मुझे भी ना इस चोला राज्य से प्रेम हो गया है। क्यों? चोला राज्य में ऐसा कौन है जिसके लिए तुम उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती? क्या दीदी, आप भी शर्मा रही हो मुझसे? पर मैं तो सब जानती हूँ, तुम्हें चोला राज्य से नहीं उसके राजकुमार अधिराज चोला से प्यार है, जो अभी युद्ध के लिए लंका गए हुए हैं। क्यों, सही कहा ना? आप कैसी बातें कर रही हैं दीदी? कहां वो आसमान में चमकते हुए सूरज और कहां मैं धरती पे पड़ी हुई उसकी बूंद, भला इन दोनों का मेल कभी संभव है? दूरी तो है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ओस की बूंद में भी पूरा सूरज समा जाता है। बस देखने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ दीदी, समा भी जाता है और उसे जला के खत्म भी कर देता है। पगली, जला के खत्म नहीं करता है बल्कि खुद में विलीन कर लेता है। यही उसके प्रेम का तरीका है, खुद में समा के, जिससे कोई दूसरा उस बूंद की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। ऐसा मिलन होता है दोनों का और वो बूंद खत्म नहीं होती है बल्कि अगली रात को सूरज फिर से उसे आजाद कर देता है उसी धरती पर अपनी इच्छा से घूमने के लिए। ये तो सिर्फ शब्द है दीदी जो मन को शांति देते हैं, पर उनसे सच्चाई बदल नहीं जाती। छोड़िए दीदी, ये सब सोचकर मैं पहले ही बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और तो तुम मानती हो कि तुम परेशान हो? देखा, पता था मुझे
इसलिए तो मैं तुम्हें उस ज्योतिषी के पास लेके जा रही हूँ। अब आराम से बैठो और चलो मेरे साथ। राजकुमारी आर्या और राजकुमारी वानती जल्द ही कुंभपुरम के ज्योतिषी के घर पर पहुंच गईं और उन्हें इन दोनों के आने का अंदेशा पहले से ही था। चलो वानती, हम पहुंच गए हैं, बाहर निकलो। जी दीदी। अरे आप दरवाजे पर खड़े हैं, आपको कैसे पता चला कि हम दोनों आने वाली हैं? मैं एक ज्योतिष हूं और अपने यहां आने वाले हर अतिथि का मुझे ज्ञान रहता है। और जब वो अतिथि महाराज सुंदर चूला की इकलौती पुत्री राजकुमारी आर्या हो तो पता रखना और भी आवश्यक है। आइए आइए अंदर चलते हैं। ज्योतिषी जी, हम निश्चिंत रहे ना कि जब तक हम दोनों अंदर होंगे आपका सेवक किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। अवश्य, आप निश्चिंत रहें, कोई भी अंदर नहीं आएगा। और अगर किसी ने जोर जबरदस्ती से अंदर आना चाहा तो? आप निश्चिंत रहें राजकुमारी, हमारे सेवकों को बलपूर्वक हराना आसान नहीं है। फिर ठीक है, चलो वानती। तो बताइए राजकुमारी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जब आपको हमारे आने का पता था तो आने के कारण को पता करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों ज्योतिषी जी? निसंदेह निसंदेह। त्र्यंबकम् यजामहे सुमंतिं गतपुष्टिं, त्र्यंबकम् यजामहे सुमंतिं पुष्टिवर्धनम्, जामे ब्रह्मदैत्यो आप यहाँ इस समय अपनी सखी कुमारी वानती का भविष्य जानने के लिए आई हैं। क्या मैंने सही कहा राजकुमारी आर्या? क्या बात है, आपकी भविष्यवाणी हमेशा हमें निशब्द कर देती है। हमारी सखी जब अपने घर से आई थी तो पूरा दिन नाचती गाती रहती थी, पर कुछ दिनों से इसका व्यवहार बहुत बदल गया है। हमेशा खोई खोई सी रहती है, ना ही किसी से अपने मन की बात कहती है। ऐसा लगता है जैसे हंसी इसके होठों से गायब हो गई हो। मुझे डर लगता है कि इसकी ऐसी हालत इसके माता पिता ने देख ली तो मुझे ही कोसेंगे। आप चिंता न करें, कुमारी वानती की कुंडली मेरे पास पहले से ही है। मैं अभी उस कुंडली को देखकर इनके वर्तमान और भविष्य दोनों आपके सामने खोल कर रख देता हूं। मिल गया। विश्वसनीय, वाह वाह। आप वाह वाह ही करते रहेंगे या इसकी कुंडली देखकर कुछ बताएंगे भी? आपकी सखी की कुंडली में राजयोग है, और वो भी छोटा मोटा राजयोग नहीं, बल्कि आपसे भी बेहतर। ऐसे सुयोग मैंने पहले कभी नहीं देखे। दीदी, मुझे तो इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल छोटी लग रही है। मेरी जैसी लड़की के भविष्य में ऐसा राजयोग, कोई हंसी ठिठोली है क्या? आप क्या बोल रहे हैं कुमारी? अगर मेरी कही एक भी बात झूठी निकल गई तो मैं उसी समय इस ज्योतिष विद्या का त्याग कर दूंगा, मेरा वचन है आपसे। हाँ। आपको ऐसा वचन नहीं देना चाहिए ज्योतिषी जी, कभी कभी भाग्य की रेखाएं बदल भी जाती हैं। तो कुमारी वानती के संदेह निवारण के लिए मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जिसकी वास्तविकता आपको एक दिन स्वयं पता चल जाएगी, और जब आपको पता चल जाए तो आप मुझे भूलिएगा नहीं। आपका विवाह एक ऐसे शूरवीर से होगा जो राजाओं का राजा है। और ये आपने सही विषय चुना है, एक स्त्री के लिए उसके विवाह की जानकारी से बढ़कर और क्या हो सकता है? बताइए ज्योतिषी जी, इसके होने वाले स्वामी कहां और कैसे मिलेंगे? इनके होने वाले स्वामी इनके बहुत पास हैं।
और वो कहीं दूर से नहीं आएंगे, पर वो अभी देश में नहीं है, अभी तो समुद्र पार किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए गए हुए हैं। तू तो शर्माने लगी। मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? ज्योतिषी जी, क्या आप किसी तरह इनके होने वाले वर का नाम और वंश बता सकते हैं? क्यों नहीं, पर उससे पहले आपको मुझे बताना होगा कि क्या आपने कुमारी वानती के पैर के तलवों को देखा है। अगर हाँ तो पैर के तलवों को देखा हो, इसका क्या अर्थ है ज्योतिषी जी? महाराजा सुंदर चोला की पुत्री क्या सबके पैर के तलवे देखती हुई घूमेगी? मेरी बात का बुरा न माने राजकुमारी, मैं तो बस इतना कहना चाहता था कि अगर राजमहल में साथ खेलते खेलते कभी आपकी नजर इनके तलवों पर पड़ी हो। दीदी, आप क्या हमें इस तरह अपमान करवाने के लिए लेके आई हैं यहाँ पे? ये ज्योतिष बाबा तो कब से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, चलिए यहाँ से। आप पहले पूरी बात तो सुनिए। मैं केवल कुंडली देखकर भविष्य नहीं बताता, आप चाहें तो स्वयं इनके तलवों पर नजर डालें, वहां आपको एक कमल अवश्य मिलेगा, और अगर न मिला तो मैं आज ही इस ज्योतिष विद्या का त्याग कर दूंगा। अरे आप बात बात पर ज्योतिष विद्या छोड़ना बंद कीजिए और वानथी के होने वाले पति के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी, जैसा मैंने बताया कि वो राजाओं के राजा होंगे और एक दिन महाराजा भी कहलाएंगे, परंतु इस बीच कुछ बड़ी चुनौती उनके मार्ग में आएगी और वो सारी चुनौतियों पर विजय पाएंगे और आपका होने वाला पुत्र वो तो आपके पति से भी ही बड़ा महाराजा बनेगा। उसका नाम तीनों लोकों में लिया जाएगा। चोला साम्राज्य में ऐसा राजा न पहले कभी हुआ और न कभी होगा। वो साक्षात भगवान विष्णु का अवतार होगा। दीदी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वानती, मैं पानी लेकर आता हूं। वानती, आप चिंतित ना हो, पानी की कुछ बूंदें इनके चेहरे पर डालिए, इन्हें होश आ जाएगा। ज्योतिषी जी, ये तो आए दिन की बात हो गई है, और आपने भी तो कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर दी कि बेचारी डर गई होगी, और जब ये ऐसे डरती है तो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब होश आएगा तो पूछेगी कि मैं धरती पर हूं या कैलाश में। ज्योतिषी जी, मेरा यहां आने का एक कारण और था। आप मेरे पिता की सेहत और राज्य में चल रहे माहौल के बारे में तो जानते ही हैं। मुझे ये जानना है कि क्या कोई बड़ी अप्रिय घटना होने वाली है? अगर ऐसा है तो आप मुझे उसके बारे में जितना हो सके बताइए। देखिए राजकुमारी, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं देश, सेना, राज्य की भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि वो सही नहीं निकलती। अब देश की तो कोई कुंडली होती नहीं है। हाँ, बड़े बड़े साधु संत इस बारे में कोई टिप्पणी कर सकते हैं, मैं तो एक छोटा सा ज्योतिषी हूं। आप तो बिल्कुल राजनीतिज्ञ जैसी नपी तुली बात कर रहे हैं। आप राज्य की नहीं, पर मेरे पिता महाराजा सुंदर चोला और मेरे दोनों भाइयों की कुंडली तो देख सकते हैं। अवश्य, आप जब अगली बार आएंगी तो मैं कुंडलियां तैयार रखूंगा राजकुमारी, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि बातों को करते समय आप बहुत सचेत और सावधान रहें। ये समय आपके परिवार के लिए बहुत कठिन समय है। और दीदी, मुझे क्या हुआ था? क्या मैं फिर से बेहोश हो गई थी? नहीं पगली, तू थक के मेरी गोद में सो गई थी। अब कैसा लग रहा है वानती? मुझे क्षमा करना दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पगली, क्षमा क्यों मांग रही है? इतनी बड़ी घटना थोड़ी हो गई, बस ज्योतिषी जी थोड़ा सा डर गए थे। ज्योतिषी जी, आपने मेरे बारे में कितना कुछ बताया, पर दीदी के बारे में तो कुछ नहीं। उनके होने वाले स्वामी के बारे में भी तो बताइए ना कुछ। बिल्कुल,
जैसा मैंने पहले भी बताया था कि राजकुमारी आर्या के होने वाले पति भी एक पराक्रमी योद्धा होंगे। दुश्मनों का काल, क्यों नहीं, वो एक ऐसा ही राजकुमार होगा जो शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याओं में निपुण होगा। अर्जुन जैसा बहादुर, भीम जैसा ताकतवर, भगवान इंद्र जितना सुंदर। पर वो पराक्रमी योद्धा है कहाँ और कब मिलेगा? वो बहुत निकट है, इतना निकट कि किसी भी समय आपसे टकरा जाएगा। इतना निकट है कि कभी भी दरवाजा तोड़कर यहाँ आ सकता है। ज्योतिषी जी, पर वो आएगा कैसे? हाथी पर, घोड़े पर या गधे पर? नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। लगता है सच में दरवाजे पे है। दीदी, कहीं आपके होने वाले पति तो नहीं है? कैसी बात कर रही है वानती, कोई बेचारा अपनी कुंडली दिखाने आया हो? क्षमा करिए, पर क्या आप ही कुंभपुरम के ज्योतिष हैं? अभी राजकुमारी आर्या और कुमारी वानती ज्योतिषी से बात ही कर रही थी कि तभी अचानक जोर की आवाज के साथ सामने का दरवाजा खुला और दरवाजे पर वल्लभार्यन खड़ा दिखाई दिया। तो अब प्रश्न ये था कि वल्लभार्यन क्या करने वाला था और वो ज्योतिषी वल्लभार्यन से क्या कहने वाला था और राजकुमारी आर्या का अगला कदम क्या होने वाला था। हाँ, वो ज्योतिष मैं ही हूं, पर आपको बिना अनुमति के अंदर नहीं आना चाहिए था। मुझे क्षमा कीजिएगा ज्योतिष जी, मुझे नहीं पता था कि अंदर तो सुंदर युवती भी हैं। मेरा मतलब कन्याएं हैं। आपके उस मूर्ख सेवक ने बताया ही नहीं, वरना मैं कभी ऐसे अंदर नहीं आता। मैं आप दोनों से भी क्षमा मांगता हूँ। राजकुमारी, क्षमा चाहूंगा, मुझे नहीं लगता था कि कोई ऐसे जबरदस्ती अंदर घुसाएगा। कोई बात नहीं ज्योतिषी जी, वैसे भी हमें यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। चलो वानती। अरे, ये तो बताती जाइए कि आपने मुझे क्षमा किया या नहीं। क्या नाम बताया कुमार आपने अपना? अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, आप बुरा मत मानिए, मैंने तो सुना था आप माने हुए ज्योतिष हैं, फिर आपको नाम बताने की क्या आवश्यकता है? आप अपनी ज्योतिष विद्या से पता करिए कि मेरा नाम क्या है और मैं आपसे किस संबंध में मिलने आया हूँ। ये सब पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कुमार, अगर मैं तुम्हें ये सब ऐसे ही बता दूंगा तो मेरी दक्षिणा का क्या होगा? क्या होगा? वो तो मिली जाएगी। पहले ये बताइए ज्योतिष जी कि आपके ये मेहमान कौन थे? कौन मेहमान? कहीं तुम उनके बारे में तो नहीं पूछ रहे हो जो अभी अभी बाहर गए हैं? हाँ हाँ, वही जो तुम्हारे आने से पहले यहां थे और तुम्हारी वजह से अभी अभी रथ में बैठकर चले गए। तुम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। जहां तक मेरा विचार है, वो दोनों स्त्री थी। धन्यवाद, मुझे तो पता ही नहीं था। गुरुजी, मैं अंधा नहीं हूँ, ईश्वर ने आंखें दी हैं मुझे, मुझे भी दिखता है कौन पुरुष है और कौन स्त्री। तो फिर तुमने ये बात क्यों पूछी? मेरा कहने का अर्थ था कि वो स्त्रियां कौन थी, उनका पद, जाति। कुमार, तुमने समुद्रिका नियम तो पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं। सुनो, समुद्रिका नियम के तहत स्त्रियां चार तरह की होती हैं, पद्मिनी, सिंधिनी, गंधर्वी और विद्याधारी। अब
पद्मिनी और अरे ज्योतिष जी शांत हो जाओ। हम कौन है शांत होने वाले? वो तो ईश्वर ही है जो हमें हमारे मुख से बुलवाता है और ईश्वर ही चुप करवाता है। हम तो बस उसके। अरे ज्योतिष जी आप फिर शुरू हो गए। मैं तो बस आपसे पूछना चाह रहा था कि इन स्त्रियों के नाम क्या थे और वे किस परिवार से थीं। आप कृपया करके अपनी बातों को गोल गोल घुमाना बंद करें और मुझे स्पष्ट उत्तर दें। और उत्तर देने से मुझे क्या मिलेगा? आपका आभार रहेगा मुझ पे आजीवन। मैं तुम्हारे आभार का क्या करूंगा कुमार? समझने का प्रयास करो, एक ज्योतिष को भी तो अपना घर चलाना होता है। अवश्य, ये सोने के सिक्के आपको घर चलाने में जरूर मदद करेंगे। कृपया आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। देखो कुमार, मेरे पास आने वाले किसी भी अतिथि की जानकारी गुप्त रखना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। वो लोग किसी विश्वास से ही तो मेरे पास आते हैं कि उनसे जुड़ी बातें मेरे पास हमेशा गुप्त ही रहेंगी। तो मैं उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी तुम्हें नहीं दे सकता और न ही तुम्हारी जानकारी किसी को दूंगा। हाँ, तुम कुछ और जानना चाहते हो तो बेशक पूछ लो। तो ऐसी बात है, मतलब वो विष्णु भक्त आपके बारे में सही बोल रहा था? कौन विष्णु भक्त? नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो छोटा और मोटा सा आदमी है और उसके पूरे शरीर पे भगवान विष्णु के नाम की चित्रकारी है। अरे हाँ, वो जगह जगह पर शिव भक्तों से लड़ता भी रहता है। अच्छा, तो तुम उस हरि भक्त की बात कर रहे हो? उसका नाम हरि भक्त है। अब भगवान विष्णु के भी तो कई सारे नाम हैं, हरि, नारायण, राम। तो वो भी जहां जहां जाता है लोग उसे विष्णु के अलग अलग नामों से पुकारते हैं। खैर, मुझे तो वो एक नंबर का झूठा आदमी लगता है, पर फिर भी उसकी एक बात मुझे सच्ची लगी थी। अब झूठ तो हर आदमी बोलता है। वैसे तुम्हें उसकी कौन सी बात सच लगी? यही कि आपके पास मेरे सभी सवालों के उत्तर होंगे। अब आप ही बताइए, उसकी ये बात झूठी है या सच्ची? तुम खुद ही मुझसे सवाल करके क्यों नहीं पता लगा लेते कि वो विष्णु भक्त झूठ बोल रहा है या सच? फिर ठीक है, तो ज्योतिष जी, मैं अपने उस कार्य के सफल होने के बारे में जानना चाहता हूँ जिसके लिए मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। आप स्वयं पता कर लीजिए और मुझे बताइए कि मेरा कार्य सफल होगा या नहीं। क्या है कुमार कि इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे तुम्हारी कुंडली देखनी होगी? नहीं है तो जन्म तिथि या राशि, और अगर वो भी नहीं है तो कम से कम नाम और गोत्र तो बता दो। मेरा नाम वल्लभ आर्यन है ज्योतिष जी। अच्छा, वानर साम्राज्य के राजकुमार वल्लभ आर्यन। जी, आपने सही पहचाना। पहले क्यों नहीं बताया आपने? आपकी कुंडली तो मेरे पास होगी। पर मेरी कुंडली आप तक कैसे पहुंची? वो क्या है कि एक ज्योतिष के पास राज्य के सभी बड़े राजाओं और उनके वंशजों की कुंडलियां होना अनिवार्य है। देखा, आज काम आ ही गई। पर मैं कोई राजकुमार नहीं हूं। कैसी बात कर रहे हैं कुमार? आपका वंश वानर वंश है जिसके गाथा सुन सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं। कितने महान कवियों ने आपके वंश पर महान गीत लिखे। अच्छा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। खैर, अब इन बातों का क्या फायदा? पर अपने वानर वंश का झंडा उठाने के लिए मेरे पास आज आदमी क्या, एक गधा भी नहीं है और राज्य के नाम पर एक उंगली जमीन भी नहीं। ये आज का सच हो सकता है कुमार, पर समय बदलते देर नहीं लगती। आपकी कुंडली कहती है कि समय के साथ आपका कद बढ़ता ही जाएगा। और कितना बढ़ेगा ज्योतिष जी?
अभी इतना बढ़ गया है कि दरवाजे में घुसने के लिए मुझे झुकना पड़ता है। खैर, आप ये बताइए कि जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं तंजावुर निकला हूँ, वो सफल होगा या नहीं? यदि मैं केवल आपकी बात करूं तो निश्चय ही आप सफल होंगे, पर जो लोग आपके कार्य में अड़चन डालना चाहते हैं उनका पता नहीं, उनके लिए तो मुझे उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी। हे ईश्वर, आपकी बातें किसी पहेली से कम नहीं है। मैं ज्योतिषी हूं कुमार, कुंडली के माध्यम से ही भविष्य बताता हूं, जो दिखेगा वही बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अपने महत्वपूर्ण काम के लिए महाराज सुंदर चोला से मिलने जा रहा हूँ, पर मैंने सुना है कि महाराज सुंदर चोला की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, क्या ये सच है? लोग क्या कहते हैं इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए कुमार, ऐसी बातों पर ध्यान न देना ही अच्छा होगा। और तो और, इन बातों का आप किसी और के सामने जिक्र भी न करें तो अच्छा है। पर खबरों का क्या? पूरे चोला साम्राज्य में अभी यही चर्चा चल रही है कि चोला साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्या आप मुझे सवाल का जवाब दे सकते हैं? जहां तक मुझे लगता है कुमार, चोला साम्राज्य का उत्तराधिकारी न आप बनने वाले हैं और न मैं बनने वाला हूं, तो फिर हमें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये तो है, हम बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। वैसे ज्योतिष जी, क्या आपको पता है राजकुमार आदित्य चोला इस समय कांची में है? हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आप इस समय उन्हीं के जरूरी काम से निकले हैं। चलिए, आपने समय लिया, परंत मैं सच तक पहुंच ही गए। क्या आप मुझे उनके भविष्य के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं बिना कुंडली देखे उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता ना। और उनके चाचा मधुरंजन जी के बारे में? उनके भाग्य की रेखाएं तो बताती हैं कि वो एक ऐसे अनमोल फूल हैं जो किसी दूसरे की छत्रछाया में ही खिलते हैं। पर यही हालत तो पूरे राज्य की है, लोग कहते हैं कि राज्य महाराज सुंदर चोला की छत्रछाया में नहीं, किसी और के इशारों पे चल रहा है। किसके इशारे पर? महाराज सुंदर चोला की पुत्री राजकुमारी आर्या। आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं ज्योतिष जी? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो आपकी बात हंसने योग्य लगी। कहां महाराजा सुंदर चोला तंजावुर से राज चलाते हैं और कहां राजकुमारी आर्या? राजकुमारी आर्या? क्या ज्योतिष जी, आप कुछ बता रहे थे? ये ज्योतिष पक्का मुझसे कुछ छुपा रहा है। कुमार, ऐसी बातें मुख पर लाने से पहले चारों तरफ देख लेना चाहिए, दीवारों के भी कान होते हैं। अब आप भरोसा करने लायक लगते हैं, इसलिए आपसे खुलकर बात की जा सकती है। मैंने सुना है कि जब से महाराज सुंदर चोला की सेहत खराब रहने लगी है, तब से राज्य का सारा कार्य नागराज वंश संभाल रहा है। और अरे, आप चुप क्यों हो गए? डरिए मत, मैं नागराजन वंश का गुप्तचर नहीं हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने जैसे मेरे वानर वंश के बारे में बताया, क्या उसी तरह आप बता सकते हैं कि समस्त चोला साम्राज्य का भविष्य क्या है? कुमार, आपने नदियों को गर्मी में सूखते और बरसात में बाढ़ का रूप लेते देखा होगा, ये चोला साम्राज्य भी उसी नदी की तरह है। इसके गर्मियों के दिन खत्म होने वाले हैं और बरसात आने वाली है, तो जैसे जैसे समय निकलेगा, चोला वंश बाढ़ के पानी की तरह और भी समृद्ध होता जाएगा। धन्यवाद ज्योतिष जी, आपकी इस भविष्यवाणी से मुझे बहुत खुशी हुई। अब जाने से पहले आप मुझे एक बात और बताइए। हाँ, पूछिए पूछिए। मेरी हमेशा से इच्छा थी
कि मैं समुद्री यात्रा पर जाऊं, क्या मेरे भविष्य में कभी आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। आप न केवल समुद्र यात्रा करेंगे बल्कि पूरे विश्व का भ्रमण भी करेंगे। अच्छा ज्योतिष जी, आप चोला साम्राज्य के सेनापति अधिराज चोला के बारे में कुछ बता सकते हैं? उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? आपको समुद्र यात्रा का शौक है कुमार, तो आपको पता ही होगा कि समुद्र में रास्ता तलाशने के लिए नाविक के पास सबसे अच्छा साधन होता है ध्रुव तारा, जो हमेशा उत्तर में दिखता है। सारे ग्रह सारे तारे अपना स्थान छोड़ देते हैं, पर ध्रुव तारा हमेशा अटल है। सेनापति अधिराज उसी ध्रुव तारे की तरह हैं। उनका आत्मविश्वास और पराक्रम हम सबको रास्ता दिखाएगा और चोला राज्य में नई ऊर्जा लाएगा। अद्भुत, आपने जिस तरह सेनापति अधिराज का वर्णन किया है, वैसे तो कोई प्रेमिका ही अपने प्रेमी के लिए कर सकती है। मैं ही नहीं कुमार, जो कोई भी इस चोला साम्राज्य को अपना मानता है वो यही कहेगा। धन्यवाद ज्योतिष जी, आपने आज जो मुझे बताया मेरे भविष्य के लिए, मैं आशा करता हूँ मैं वो सब एक दिन कर पाऊंगा। अवश्य करेंगे कुमार, अवश्य करेंगे। आपके ग्रह इतने प्रबल है, इसीलिए तो मैंने आपको सब कुछ बताया। अब मैं आपकी आज्ञा लेना चाहूंगा, जो कुछ मेरे पास है मैं आपको उसमें से इतना ही दे सकता हूँ, कृपया इन्हें स्वीकार करें। आप और आपके वंश का कल्याण हो कुमार, कल्याण हो।